हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है। गीता, रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ही ग्रंथ हैं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संविधान संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले के संबल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संबल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। शौपन, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। बस उनका केवल प्राकट्य शेष है। इसका तार्किक तुम्हारे अत्याचारों से मेरे द्वारा स्थापित यह मापदंड टूट जाएंगे, जो इस बात का प्रमाण होंगे कि धरती पाप के बोझ को और नहीं उठा सकती तथा मेरे भक्त अभी और अत्याचार नहीं सह सकते। उसी क्षण में भी समय की सभी सीमाएं तोड़कर अवतार धारण करूंगा। यदि हम चारों तरफ नजर डालें तो हम देखेंगे कि शास्त्रों में कलयुग के चौथे चरण के जो लक्षण बताए गए हैं, वे सब इस प्रथम चरण में ही पूरे होने के करीब आ गए हैं। धर्म, सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, आयु का लोप हो गया है। धनी और पाखंड ही समाज के श्रेष्ठ हो गए हैं। प्रकृति असंतुलित हो गई है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, चारों तरफ आसुरी शक्तियों के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। हर आदमी रोगग्रस्त है। वर्ण व्यवस्था समाप्त हो रही है। धन के लिए पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण ले रहा है। स्त्रियों में शालीनता और लज्जा का लोप होता जा रहा है। ये परिस्थितियां इस सत्य की ओर संकेत कर रही हैं कि युगा अवतार भगवान श्री कल्कि के प्रकट होने का समय नज़दीक आ रहा है। संगठन मानना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप कल्कि जी की लीला का अनुभव करना चाहते हैं तो उनके महामंत्र जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति और बीज मंत्र जय श्री कल्कि, जय माता की एक एक माला का जाप करें। प्रार्थना के साथ फल समर्पण कीजिए और आप देखेंगे और प्रत्यक्ष, स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभव द्वारा महसूस करेंगे कि श्री कल्कि आपके मानस में प्रकट होकर आपको परेशानियों से निकालने का रास्ता दे रहे हैं, आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री कल्कि भगवान जरूर लिखें। ऐसे ही भक्ति और न्यूज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी।